प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा में लीन थे। पंडित पुरोहित मंत्रोच्चारण कर रहे थे। जलाभिषेक करते पीएम मोदी पूजा अर्चना करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर लोगों की भारी संख्या जुट गई। लेकिन इस बीच एसपीजी कमांडो ने पीएम मोदी को जो इशारा दिया, उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगे ये एसपीजी कमांडो एक एक पल पर निगरानी रख रहे थे। चारों तरफ सुरक्षा का घेरा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को उनके सबसे करीब खड़े सुरक्षा दल की कमान संभाले कमांडो ने तुरंत इशारा दिया। इस दौरान वो एक्शन में नजर आए। पीएम मोदी जैसे आगे बढ़ते, एसपीजी कमांडो अपनी पैनी नजर बनाते हुए आगे बढ़ते। दरअसल 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा सीट वाराणसी नामांकन दाखिल करने पहुंचे। अपने संसदीय क्षेत्र में नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा सप्तमी के दिन काशी के गंगा घाट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण किया, पूजा अर्चना की, जबकि जल अर्पित करते हुए वहां खड़े पुरोहित भी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा के तट पर बिल्कुल किनारे पे खड़े थे। ऐसे में पीछे खड़े एसपीजी जवान उनके हर कदम के मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए हुए दिख रहे थे, जबकि घाट के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी जब वापस लौटने लगे, तो तुरंत हरकत में आए एसपीजी कमांडो ने उन्हें ध्यान से आगे चलने और देखने के लिए इशारा दिया। ऐसे में पीएम मोदी का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।